मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश सम्मानित उनके साथ तमाम वितरण निगम द्वारा सर सामने सर उसी करीब माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी शिलान्यास पटों का अनावरण करते हुए ये विकास के कार्य प्रदेश में समान विकास के कार्य सबका समान सबका विकास ये हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता हमारे नैतिक मूल्य हमारे सामाजिक मूल्य जिनका यहाँ पर निर्वाह किया जा रहा है। माननीय सर एक मिनट दे देना सर अरविंद कल्याण जी माननीय कबीर पंथी जी एस डी अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंचे हैं और अभी कुछ ही देर में जो है पंचायत भवन में सेक्टर 4 और सेक्टर 32 में बनने वाले 33 केवी सब स्टेशनों का जो है यहां पर आधारशिला रखी जाएगी और उसके बाद जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री एनडीआरआई के ऑडिटोरियम में पहुंचे जहां पर उन्होंने चौपाल कार्यक्रम में भी जो है बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कमल मिड्डा करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल। पड़े हमको दो वरदान यही मां विकसित होकर चढ़ जाए। संस्कृति है कि हम किसी भी कार्यक्रम को की शुरुआत मां भारती के समक्ष ओम चंद्रमा मनशो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्र कालोत भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहंशं परमेश्वर। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने से देखिए स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में ये जो चौपाल का कार्यक्रम हुआ है ये कई वर्षों से वैसे तो चल रहा है हमारे हरियाणा में भी। इसका पहला कार्यक्रम पानीपत में हुआ था, आज दूसरा करनाल में हुआ है और मैं बहुत सराहना करता हूं कि ये समाज के योगदान से ही ऐसे गरीब लोगों के जो अभावग्रस्त लोग हैं जरूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करते हैं, उनको रोजगार के लिए कुछ ऋण भी उपलब्ध कराते हैं, रोजगार के लिए उनको साधन उपलब्ध कराते हैं। जैसे आज 500 से ऊपर महिलाओं को इन्होंने 10,000 रुपए का एक ऋण दिया है ताकि घरेलू छोटे उद्योग के माध्यम से अपना काम चला करके रोजी रोटी कमा सकें। इसी प्रकार 50 लोगों को इन्होंने जो ई रिक्शा 71 लोगों को ई रिक्शा के माध्यम से उनको भी जो 20,000 रुपए का अनुदान दिया है, बाकी बैंक से लोन लेके दिया है और ई रिक्शा के माध्यम से कम जो चालक है उसको अपनी शरीर की शक्ति ना लगा करके ई रिक्शा के माध्यम से उसको चलाने की सुविधा मिलेगी ताकि लोग भी जो बैठने वाले वो भी निसंकोच में बैठ पाएंगे। क्योंकि मुझे ये भी ध्यान है कि बहुत लोग जो व्यक्ति द्वारा चलाई हुई अपने पैरों से द्वारा जो चलाया जाता है रिक्शा है उस पर बैठने में संकोच करते हैं, लेकिन ई रिक्शा से उनको भी संकोच नहीं होगा, एक अच्छी सुविधा है। और इस प्रकार के कार्यक्रम चौपाल से हमने ये भी अपेक्षा की है कि और बाकी जिलों में भी इस प्रकार के शुरू करें ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। देखिए उसकी योजना तो हमने बता दी है, बाकी डिपार्टमेंट उसमें लगा है और उसके लिए शायद जमीन भी अलग से एयरमार्क कर ली गई है तो उस पर भी जैसे अभी तो हॉस्पिटल शुरू हो गया, मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया। पुरानी बिल्डिंग को खोला था ये पुरानी बिल्डिंग में वो तो टेम्परेरी तौर पर करेंगे, बाकी उसके लिए अलग से भी एक मुझे लगता है कुछ जमीन एयरमार्क की गई है। अब वो विभाग निर्णय कर लेगा कि दोनों में से यहाँ रखना या वहाँ रखना है, लेकिन उसमें जैसे स्टाफ पूरा होगा उसके बाद उसको जल्दी शुरू। बस स्टैंड जो बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सर्कस सिर्फ वहाँ पर अभी स्टार्टिंग फेज में सिर्फ 6 बसों की खड़ी करने की जगह बनाई जा रही है अभी प्रारंभ में, चूंकि उसको बाद में पीपी मॉडल पर देने की बात है, अभी डिपार्टमेंट उसको बना रहा है। प्रारंभिक जो बाहर के रूट की बसें वही चलाएंगे लेकिन बहुत जल्दी इसको पूरा करेंगे। और 6 बसें तो उसका एक बनाया जा रहा है बिल्डिंग के अलावा भी बहुत बड़ा ग्राउंड है उसके अंदर बसें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अभी जो बसें हैं वो
जो लॉन्ग रूट की बसें हैं वो वहां से आएंगी जाएंगी। कांग्रेस राजनीति कर रही है, कल रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हमको किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करनी है। देश के हित में, समाज के हित में, प्रदेश के हित में जो काम होगा उनको बढ़ाते चले जाएंगे। इस राजनीति से ऊपर उठ करके काम करने का अभ्यास बनाना चाहिए। पाल का कार्यक्रम था जो नागपुर से चला, दिल्ली पहुंचा, अब हरियाणा में फैल रहा है। ये जरूरतमंद महिलाओं को जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से जीना चाहती हैं, उनके लिए आर्थिक सहायता, लघु ऋण देते हम और वो काम करके उसको वापस लौटाती हैं। ये एक माध्यम है कि हर महिला को आर्थिक रूप से सशक्त करने का, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी में रहती है या क्लस्टर में रहती है या गांव की। हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश गाँव में बसता है और जितनी देर गाँव की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगी तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि मोदी जी का सपना है कि देश की हर महिला आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्त हो, और हमारे एमपी साहब और सीएम साहब का भी यही सपना है, तो हम मिलकर उनका सपना पूरा कर रहे हैं। कितनी महिलाओं को आज ऋण किया गया? 550। और ई रिक्शा 71 को, और आगे आज आपने सुनी लिया सीएम साहब और एमपी साहब ने माना है कि आगे 500 ई रिक्शा का और करेंगे, और हमें बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप जानते हैं कि एमपी साहब को नहीं पसंद कि एक व्यक्ति व्यक्ति को ढोए, तो इसलिए ई रिक्शा उनका सपना था जो आज पूरा हो गया। पाल का जो हमारा प्रोग्राम है ये आज चौथा प्रोग्राम था। इससे पहले इसकी शुरुआत हमने पानीपत में की थी और उस समय हमने पानीपत के हमारे जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं चार, वहाँ से जो गांव हैं उनके, वहाँ से हमने महिलाओं को पैसे दिए थे। उसमें भी माननीय अपना मुख्यमंत्री जी को ही हमने चीफ गेस्ट बनाया था। उसके बाद फिर दूसरा प्रोग्राम भी हमने अभी पिछले एक माह पहले पानीपत में ही किया था। अब हम उसके बाद तीसरा प्रोग्राम हमने करनाल में किया था, शायद घरौंदा में किया था जहां मेरा गांव मैंने गोद लिया था वहां पर किया था, और ये चौथा प्रोग्राम आज हमने किया है जिसमें हमने मुख्यमंत्री जी को बुलाया। लेकिन अभी ये प्रोग्राम अब चलते जाएंगे, और पहले तो मैंने अपनी संसदीय क्षेत्र में इसके चार प्रोग्राम हो गए हैं, अभी और देखता हूँ मैं, जरूरत है तो और भी करेंगे। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि चौपाल जो है ये पूरे हरियाणा में हम धीरे धीरे इसका फैलाव करें। आज हमने 271 महिलाओं को हमने अपना पैसे बांटे हैं, और इस बार हमने 71, पिछली पानीपत में हमने 51 बांटे थे अपना ई रिक्शा, और यहाँ पर हमने 71 से 71 ई रिक्शा बांटे हैं, और आगे चल के हम चाहते हैं कि हम और भी ज़्यादा इसको बढ़ाएं। हरियाणा विशेष है इस मामले में कि यहाँ पे महिलाओं की औसतन आदमियों से कम है, तो इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं जहाँ महिलाओं को आगे करने की बात है, उनको मदद करने की, उनको आगे बढ़ाने की, जैसे अश्विनी जी ने कहा कि, और किरण जी ने भी कहा कि एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ हरियाणा में कि जब वो लोग बोलेंगे कि बेटी हो, बेटे से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बेटी की उम्मीद करेंगे लोग। तो इस कार्यक्रम में ये देखा गया है कि इसी की तरफ कदम लिया जा रहा है, और ये बहुत अच्छा कदम है। मुझे लगता है कि जो मैंने महिलाओं को देखी, उन्होंने उनकी आंखों में एक उम्मीद है, उनको आगे जाके वो आत्मविश्वास के साथ अपनी ज़िंदगी बढ़ाने वाली हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने वाली हैं, और कहते हैं ना स्किल इंडिया एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो चौपाल है जो मुझे समझ आया कि इससे इसके थ्रू थोड़ा सी धनराशि दे के भी एक आप छोटा सा एंटरप्रेन्योर क्रिएट करते हैं, तो अगर ये एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कदम है तो इसका नेक्स्ट कदम जो है वो स्किल इंडिया की तरफ जाता है, जहाँ पे हुनर है तो कदर है। अच्छा लग रहा है सर, बेरोजगार थे जो उनको रोजगार दिया जा रहा है, इसलिए मैं सर का अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। खुद चलाओगे आप? क्या समझते हैं कि महिलाओं के लिए अच्छी शुरुआत है, और इनसे महिलाओं को
जागरूकता मिलती है काम करने के लिए, अपने पांव पे खड़े होने के लिए। रोजगार। पवन।